मैं तीसरी रिएक्शन लिखता हूं। एसिडिक मीडियम की ही यह सारी रिएक्शन है, N2O4 प्लस BrO3 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम स्पेसिफाई करने के लिए उन्हें H पॉजिटिव H2O बना दिया, NO3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई दोस एलिमेंट दोस एटम्स जिनका रिडॉक्स चेंज हो रहा है। एक तो नाइट्रोजन, जरा देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर हमें क्या दिखता है, -8 और इधर मुझे दिख रहा है इसका +4 और NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन का मुझे दिखेगा +5। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करना बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया है, इसलिए अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब BrO3 नेगेटिव में ब्रोमीन का देखिए, इधर ब्रोमीन का दिखेगा +5 और इधर ब्रोमीन का मुझको दिखेगा -1। इस तरह से नाइट्रोजन और ब्रोमीन का वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, यह मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसे आइडेंटिफाई करने के बाद वंस अगेन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए N2 और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में लिखूंगा +4, गिविंग यू नाइट्रोजन एट +5। ध्यान रहे अंडर स्क्रिप्ट हमेशा लिखा जाता है N2, यदि N2 है तो N2 जरूर लिखोगे क्योंकि दो नाइट्रोजन इस रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे ही, इसलिए N2O4 में N2 लिखेंगे हम एट प्लस। इधर मैं लिखूंगा ब्रोमीन एट +5 गिविंग यू ब्रोमीन एट -1। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए N2 है तो इधर दो नाइट्रोजन जरूर होना चाहिए, सबसे पहले अंडर स्क्रिप्ट में लिखे हुए इन दो नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब इस हाफ रिएक्शन को कंप्लीट और बैलेंस करने के लिए दो नाइट्रोजन +4 पर, तो इधर है +8 चार्ज, इधर टोटल +8 चार्ज है क्योंकि एक एक नाइट्रोजन +4 पर है और इस तरह के दो नाइट्रोजन है वहां पर, तो इधर टोटल +8 चार्ज हुआ और इधर दो नाइट्रोजन +5 पर, तो इधर +10 चार्ज हुआ। अब +8 टोटल चार्ज इधर है +10 इधर है, ऐसा कैसे हो रहा होगा, डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जा रहे होंगे और वैसे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और दो इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज हो रहे थे। ब्रोमीन जो कि +5 पर है इट्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ब्रोमीन एट -1, तो डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वहां 6 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। ब्रोमीन +5 पर वह 6 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ब्रोमीन एट -1 पर ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। अब इधर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं पहली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दूसरी रिएक्शन को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और जब मैं ऐड करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से मुझको बेसिक स्केलेटन रिएक्शन देखने लगेगी। 3 N2 8+4 प्लस Br 8+5 इज गिविंग यू 6 नाइट्रोजन एट +5 एंड ब्रोमीन एट -1। अब मैं क्या करता हूं, ये मॉलिक्यूल्स जहां से आए थे उनके कोएफिशिएंट अब लगा देता हूं। C
3N2O4 plus BrO3 negative, giving you 6NO3 negative plus Br negative. इन coefficient को मैं बिल्कुल भी बदल नहीं सकता. इन coefficient को मैं बिल्कुल भी बदल नहीं सकता. बाकी की reaction मुझे balance करना है H positive और water molecules है. ऐसे देख medium. Nitrogen balance, bromine balance, अब सिर्फ unbalanced oxygen सबसे पहले देखता हूं. कितने unbalanced oxygen है इस बात को देखते हैं. 6 × 3, 18 oxygen मुझे product side दिख रहे हैं. अब रिएक्टेंट साइड देखता हूं. 3 × 4, 12 + 3, 15. रिएक्टेंट साइड 15 ऑक्सीजन है. 15 ऑक्सीजन आर देयर एट रिएक्टेंट साइड, व्हाइल 18 ऑक्सीजन आर देयर ऑन द प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड ज्यादा ऑक्सीजन है. प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन ज्यादा है. यदि प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन ज्यादा है तो इन प्रोडक्ट साइड तीन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में जो तरीका है, तीन ऑक्सीजन है उसका डबल कर दीजिए. 6H+ प्रोडक्ट साइड ऐड कीजिए. यहां 6H+ एक्सेस 3 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बना दे. रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. इस बैलेंस रिएक्शन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन ये सारे एलिमेंट, सारे एटम ऑलरेडी बैलेंस आपको दिखेंगे. रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड बराबर दिखेंगे. इस बैलेंस रिएक्शन को वेरीफाई करने के लिए चार्ज देख लीजिए. टोटल पॉजिटिव, टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड एंड टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड बराबर दिखने चाहिए. जरा देखते हैं हम कितना चार्ज है. इधर मुझको सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, सिंगल नेगेटिव चार्ज. प्रोडक्ट साइड भी सिंगल नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए. जरा देखिए, 6 negative, 1 negative, 7 negative, and 6 positive. प्रोडक्ट साइड भी मुझको सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज दिख रहा है. मतलब रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है. यह रिएक्शन बैलेंस्ड है. इसमें N2O4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए N2O4 कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. BrO3 नेगेटिव, यह रिड्यूस हो रहा, इसलिए BrO3 नेगेटिव कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और इस रिएक्शन को भी हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. इसे भी हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है. थर्ड रिएक्शन मैंने कर दिया. इसी समय फोर्थ रिएक्शन आप लोगों को बैलेंस करके मुझे दिखानी होगी. फोर्थ रिएक्शन मैं बैलेंस नहीं करूंगा, फटाफट आप लोग बैलेंस कर दीजिए. एंड जस्ट टेल मी द कंप्लीट एंड बैलेंस्ड रिएक्शन. दिस इज दैट रिएक्शन जो बैलेंस करना है. H2O3 2 negative plus Sb2O5 in acidic medium giving you SbO and H2SO3. इस रिएक्शन को आपको मुझे बैलेंस करके दिखाना होगा. एसिडिक मीडियम की यह रिएक्शन है. बैलेंस कीजिए, आई विल सी कितने लोग बैलेंस कर पाते हैं इसको. लेट्स लर्न बैलेंसिंग दिस रिएक्शन. इनफैक्ट मुझको शायद बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव को बैलेंस करने का भी एक कंसेप्ट आ रहा है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें रिडॉक्स चेंज वाले एलिमेंट व स्पीशीज आइडेंटिफाई करना होंगे. और मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं, एक तो सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इस तरह से 2x + 3 × -2 = -2. तो
इधरमुस्त को सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू दिखेगा और इस जगह पर जब मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगा तो हाइड्रोजन का 2 इंटू प्लस 1 सल्फर का x, सी ऑक्सीजन का माइनस 2 इक्वल टू 0 और इधर सल्फर का मुझको प्लस 4 दिखेगा। इसके बाद में एंटीमनी SV इज एंटीमनी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2x प्लस 5 इंटू माइनस 2, इधर एंटीमनी मुझको प्लस 5 पर दिखेगा और इधर एंटीमनी x माइनस 2, इधर एंटीमनी मुझको प्लस 2 पर दिखेगा। मुझे सबसे पहले तो यह रिडॉक्स चेंज वाले स्पेशल्स आइडेंटिफाई कर लेने होंगे और किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फटाफट कैलकुलेट करके वहां पर लिख देते हैं। अब हम हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम बैलेंस कर रहे हैं तो S2 एट प्लस 2 इज गिविंग यू सल्फर एट प्लस 4 और इधर मैं लिखूंगा SV2 एट प्लस 5 giving you SB at plus 2. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने सिर्फ उन एलिमेंट को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में लिखा और साथ में अंडरस्क्रिप्ट जरूर लिखा S2, इधर S2 होती तो S2 जरूर लिखा, SB2 है तो SB2 जरूर लिखा। देखिए इधर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में बड़ी आसानी के साथ में काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब सबसे पहले इधर S2 है तो इधर मुझे कोएफिशिएंट 2 लगाना जरूरी है, इधर SB2 है तो इधर भी कोएफिशिएंट 2 लगाना जरूरी है। सबसे पहले हाफ रिएक्शन में एटम्स को इधर ही बराबर कर लिया, S2 है तो 2S, SB2 है तो। अब हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं कहां कैसे। सल्फर प्लस 2 पर और ऐसे दो सल्फर है तो इधर 4 पॉजिटिव चार्ज है, इधर दो सल्फर प्लस 4 पर इधर 8 पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज 8 पॉजिटिव चार्ज में कैसे कन्वर्ट होएगा? 4 पॉजिटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा और वह 8 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 पॉजिटिव जो है उसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इस तरह से वो 8 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इधर SB जो प्लस 5 पर है ऐसे दो एंटीमनी है, मतलब टोटल इधर 10 पॉजिटिव चार्ज हुए, 10 पॉजिटिव चार्ज हुए और इधर SB प्लस 2 पर है और दो SB है, इधर 4 पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू 4 पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कैसे हो रहा होगा? 6 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड हियर। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए मैं पहली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और दूसरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, 3 सल्फर एट प्लस 2 प्लस 2 SB2 एट प्लस 5 गिविंग यू 6 सल्फर एट प्लस 4 प्लस 4 एंटीमनी एट प्लस 2। दिस इज द बेसिक स्केलेटन रिएक्शन। इधर से हमें कोएफिशिएंट पता लग गए किस किस के क्या क्या लगाने चाहिए, इन कोएफिशिएंट को हम इनके कंपाउंड के साथ लगा देंगे जहां से यह आ रहे हैं। S2 हमने इधर से लिया है तो 3 H2O3 2 नेगेटिव प्लस 2 SB2
5, तो स्पेस छोड़ देता हूं क्योंकि मुझको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखना पड़ता है, गिविंग यू 6 H2 SO3 plus 4 SBO. अब इन कोएफिशिएंट को मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, अब बाकी के रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के इस्तेमाल से. सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है वहां पर, एंटीमनी ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अब वहां पर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस देखूंगा. देखिए सबसे पहले अनबैलेंस्ड हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं. 6H2, इधर 12 हाइड्रोजन है जबकि इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है. इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं. हाइड्रोजन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का बड़ा साधारण सा तरीका है, यदि इधर 12 हाइड्रोजन है तो इधर आप 12H पॉजिटिव सीधा सीधा डाल दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस होगा. 12 हाइड्रोजन है तो इधर 12H पॉजिटिव, 12H पॉजिटिव, हाइड्रोजन बैलेंस. अब आप अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन देखिए, अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन कहां कितने ऑक्सीजन ज्यादा है यह बात देखिए. देखिए 6 × 3 = 18 प्लस 4, 22 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड मुझे दिख रहे हैं, 22 ऑक्सीजन मुझे प्रोडक्ट साइड दिख रहे हैं. अब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन गिनता हूं मैं, 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10, 19 ऑक्सीजन मुझे रिएक्टेंट साइड दिख रहे हैं, 22 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड, 19 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन ज्यादा है. इन 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, 3 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड है तो इसके डबल 6H प्लस मैं प्रोडक्ट साइड ऐड करता हूं. 6H प्लस उन एडिशनल 3 ऑक्सीजन से कंबाइन करके इस तरफ मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं और फाइनली हमारी यह रिएक्शन बैलेंस की है. 3H2O32 नेगेटिव प्लस 2SB2O5 प्लस, और अब ओवरऑल हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे इसलिए 6H प्लस प्लस 3H2O गिव्स यू 6H2SO3 प्लस 4SBO. दिस इज द कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन. इसमें आपको चार्ज भी बैलेंस दिखेंगे और इसमें आपको सारे एलिमेंट्स और एटम्स भी बैलेंस दिखेंगे. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. इसके बाद में अब आपको कुछ बेसिक मीडियम की रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगा इसी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, आप उनको बैलेंस करना सीखेंगे. एक बात और इधर हम बता दें, H2O3 ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए यह कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. SB2O5 यह रिड्यूस हो रहा है, यह कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यह रिएक्शन भी इंटरमॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ही कहलाएगी क्योंकि इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है इसलिए यह इंटरमॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको बेसिक मीडियम के रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है. सेकेंड क्वेश्चन की जो रिएक्शन है दैट इज H2O4 2- प्लस Ag2O. बेसिक मीडियम को इंडिकेट करने के लिए इन्हें OH नेगेटिव लिख दिया है, Ag पॉजिटिव एंड SO3 2- नेगेटिव. लेट्स लर्न बैलेंसिंग
दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को बैलेंस करना अब हम सीखते हैं. देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में वो जो पहली दो तीन स्टेप है उनमें कोई फर्क नहीं आएगा. बेसिक मीडियम में तो सिर्फ अंतिम में ही फर्क आएगा. बेसिक मीडियम में हम सिर्फ बैलेंस करने के लिए चाहे जितने हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम कर सकते हैं. लास्ट स्टेप में ही बेसिक मीडियम का रोल आएगा. पहले की दो तीन स्टेप तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है. सबसे पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. जरा देखिए सिल्वर का प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और रिएक्टेंट साइड प्लस वन. सिल्वर का Ag2O में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है और प्रोडक्ट में जीरो है क्योंकि वो प्योर सिल्वर है. प्योर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो और H2O42 नेगेटिव. मैं इधर कैलकुलेशन करने का तरीका दिखा दूं. 2x प्लस 4 ऑक्सीजन एट माइनस 2 इज जीरो. तो इधर हमको दिख रहा है सल्फर एट प्लस सॉरी माइनस 2 लिखना होगा इधर उसको प्लस 3 एक 6 प्लस 3 लिखा है मैंने. हाँ और इधर है SO3 नेगेटिव. तो सल्फर X पर 3 ऑक्सीजन माइनस 2 पर दिस माइनस 2 तो दिस इज एट प्लस 4. अब हम S2 जो कि प्लस 3 पर है इट्स गिविंग यू सल्फर एट प्लस 4 एंड Ag2 जो कि प्लस 1 पर है इट्स गिविंग यू Ag एट 0. हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे. अंडर स्क्रिप्ट के साथ में लिखा इधर H2O4 है इसलिए H2 लिखा, इधर Ag2 है इसलिए Ag2 लिखा. तो सबसे पहले दो सल्फर इधर भी लगा दिए जाए, दो Ag इधर भी लगा दिए जाए. अब हम आयंस को बैलेंस करेंगे. सल्फर प्लस 3 पर ऐसे दो सल्फर है तो इधर टोटल प्लस 6 चार्ज है. सल्फर प्लस 4 पर इधर दो सल्फर प्लस 8. प्लस 6 से प्लस 8 पर जाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे होंगे. सिल्वर प्लस 1 पर है ऐसे दो सिल्वर मतलब प्लस 2 चार्ज और इधर जीरो चार्ज. तो इधर दो इलेक्ट्रॉन इधर रिएक्टेंट साइड हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए सिंपली ऐड कर देना चाहिए. सिंपली जो हम ऐड करेंगे तो H2 एट प्लस 3 Ag2 एट प्लस 1 गिविंग यू 2 Ag एंड 2 सल्फर एट प्लस 4. अब हम ऐसे लिखने के बाद इनके कोएफिशिएंट को लगा देते हैं जहां से यह आ रहे हैं. H2O4 2 नेगेटिव प्लस Ag2O इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 गिविंग यू ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस SO3 2 नेगेटिव. अब इन कोएफिशिएंट को नहीं बदलना है. बाकी के रिएक्शन को अब हमें हाइड्रोक्सिल आयन से और वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करना है. हम चाहे जितने हाइड्रोक्सिल आयन और चाहे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सल्फर बैलेंस है, सिल्वर बैलेंस है, बैलेंस करना है हमको ऑक्सीजन. हम देखें कहां पर कितने अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन है. 2 × 3 = 6 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड और इधर 4 + 1 = 5 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड. हियर वी हैव गॉट 1 ऑक्सीजन इन एडिशन.
इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है प्रोडक्ट साइड में. अब बड़े ध्यान से समझना, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस कर रहे हैं. बेसिक मीडियम में हमें प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है. जितने ऑक्सीजन जहां ज्यादा है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए. एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमने इधर जोड़ दिया, और इसके अपोजिट साइड उसके डबल हाइड्रोक्सिल आयन. बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं और यह रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है. यदि हमें प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है तो प्रोडक्ट साइड एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा जाए और रिएक्टेंट साइड उसके डबल हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ दिया जाए, और यह रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है. इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस है, सिल्वर और सल्फर बैलेंस है, और आप देख लीजिए चार्ज भी बैलेंस है. टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड एंड टोटल चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड यह बराबर है. दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन इन बेसिक मीडियम. बड़े